कल दिल्ली में 992 992 पॉजिटिव केस मिले हैं। पॉजिटिविटी रेट था 2.7%। दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगभग 3% के करीब पॉजिटिविटी चल रही है। पूरे देश में भी और दिल्ली में भी केसेस पिछले 1 महीने में बढ़े हैं। कई राज्यों में तो 10% से ज़्यादा भी पॉजिटिविटी चल रही है। और दिल्ली के अंदर हमने टेस्टिंग को बहुत बढ़ा दिया है। होली के और संडे की वजह से थोड़ा कम था 2 दिन, परंतु आज से हम 80,000 से ज़्यादा टेस्ट डेली करेंगे। और लोगों को आइसोलेट भी किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि जो भी पॉजिटिव हैं तो घरों में रखा जाएगा। उनके 30-30 कॉन्टैक्ट्स को भी ढूंढा जा रहा है ताकि इसको आगे फैलने से रोका जा सके। सर, आईसीयू बेड को लेकर कल फैसला हुआ उसके बारे में? देखिए, कल 220 आईसीयू बेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ 838 838 वार्ड के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें बढ़ाने के लिए कहा गया है। सरकारी हॉस्पिटल्स में काफ़ी सारे बेड्स आईसीयू में और वार्ड्स में काफ़ी अवेलेबल है, और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला के अभी भी 25% के आसपास है। कंफर्टेबल पोजीशन है, परंतु 3-4 हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड कम हो गए थे, इसलिए कल आदेश दे दिया गया कि 220 आईसीयू बेड्स 33 बिग हॉस्पिटल्स में बढ़ाए जाएंगे। सर, ये जो 838 आपने बताया, ये कौन से है? उन्हें बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये वार्ड बढ़ाए गए हैं सर या बेड बढ़ाए गए? नहीं नहीं वार्ड्स के अंदर बेड, दो तरह के बेड है, आईसीयू बेड्स होते हैं वो 220 बढ़ाए गए हैं, और जो नॉर्मल बेड्स बढ़ाए गए हैं वो 838 बढ़ाए गए हैं। थैंक यू। इसके अलावा सर, 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, बता दीजिए 45 साल से अधिक उम्र की जिनकी उम्र 60 साल तक पहुंचेगी? देखिए, दिल्ली के अंदर, दिल्ली में कुल जनसंख्या के हिसाब से 45 साल से ज़्यादा आयु के 65 लाख लोग हैं, जिसमें 60 साल से आयु के 20 लाख लोग शामिल हैं। जो 60 से ऊपर के 20 लाख हैं वो भी शामिल हैं। तो अब जो एलिजिबल लोग होंगे 45 साल से ऊपर के 65 लाख लोग एलिजिबल हो जाएंगे। कल से वैक्सीनेशन को बड़े स्केल पर स्टार्ट किया जा रहा है, और दिल्ली के अंदर 500 सेंटर चल रहे हैं। सभी का टाइम 9 बजे से 9 बजे तक, सुबह 9 से रात के 9 बजे तक कर दिया गया है। लोगों को रजिस्ट्रेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, दिक्कत क्या है, साथ साथ मान लो किसी ने डेट मिल गई और उस डेट को पहुंच नहीं पाते थे किसी वजह से, तो हमने क्या किया है, 3 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक, दोपहर 3 बजे से रात के 9 बजे तक बिना रजिस्ट्रेशन के आप डायरेक्टली वैक्सीनेशन सेंटर में जा सकते हैं और वहाँ पे वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर 45 साल से अधिक उम्र के लोग लगाएंगे तो क्या केंद्र सरकार से पर्याप्त वैक्सीनेशन आपको मिल गई है या जरूरत पड़ेगी? अभी 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 अवेलेबल है हमारे पास, और इसको तेजी से बढ़ाया जाएगा। और अभी देखिए 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं, मैंने बताया संख्या बहुत ज्यादा है, 65 लाख है, कोशिश किए रहेंगे जल्द से जल्द इसको कंप्लीट किया जाए। एक आखिरी सवाल है कि क्या दिल्ली में ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर भी हैं जिनको आपने चिन्हित किया था लेकिन वहाँ पर अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ, ऐसे हॉस्पिटल हैं क्या? नहीं, हॉस्पिटल्स में सब में हो रहा है। कुछ जो सेंटर्स बनाए गए थे जैसे डिस्पेंसरी, उसमें प्रोटोकॉल ये है कि 3 कमरे होने चाहिए, तो वो सेंटर्स को जैसे उनको बंद नहीं किया जा सकता। डिस्पेंसरी है, सेंटर है, उनको 3 कमरे तो टोटली होते हैं, उसमें वैक्सीनेशन में 3 कमरे चले जाएंगे तो वो बंद करने पड़ जाएंगे। हालांकि सभी हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन चल रहा है, एक एक हॉस्पिटल में 10-10 सेंटर भी हैं, एक जगह ने पर 5 सेंटर 10 सेंटर भी है। सर, कुछ राज्यों में, जो जिन राज्यों में ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो जैसे उत्तराखंड में भी रिपोर्ट जो है RT-PCR की लाना कंपलसरी कर दी, क्या दिल्ली इस तरह की किसी कदम पर विचार कर रही है? अभी बताएंगे जल्दी। सर, एक और सवाल, जो टेस्ट निपटने में विफल रही है और टेस्टिंग घट रही है, विपक्ष के हम लोग किस तरह से देखिएगा? मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष का मतलब आपका बीजेपी से ही होगा। वो किसी भी राज्य या बीजेपी शासित राज्य को देख लीजिए, उससे अगर 5 गुने से ज्यादा दिल्ली में हो रही है तो हम ठीक है, अगर 5 गुने से कम है तो हम मान लेंगे हमारी कम है।